हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि आज मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि गूगल फॉर्म भर के दिखाइए केवीएस में जो वैकेंसीज ओपन हुई हैं, क्योंकि कई सारे केवीएस जो हैं गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ जो है ऑफलाइन फॉर्म फिल करवा रहे हैं, कुछ डायरेक्टली ही जा करके वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आज के इस वीडियो में हम केवीएस अलीगंज की बात करेंगे। वीडियो ऑलरेडी हम कल इस पर बना चुके हैं, नोटिफिकेशन आपको मैंने दिखा दिया था, डेट्स बता दी थी और ऑफिशियली आज ये वेबसाइट पर भी आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये इसका फॉर्म भी है। साथ में इसी में आपको नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। लिंक आपको इसमें भी देखिए मिल जाएगा, यहां पे लिंक दिया हुआ है, सारी डेट्स दी हुई हैं, किस दिन किसका इंटरव्यू होना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, सब कुछ आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लिंक आप ये देख रहे हैं, ये है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म का लिंक देखिए सबसे नंबर वन पे दिया हुआ है, जैसे ही आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये है गूगल फॉर्म। देखिए, गूगल फॉर्म भरने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सिंपल जैसे आप कोई भी किसी भी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, सेम वैसे ही ये फॉर्म भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे सबमिट का बटन देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेज का गूगल फॉर्म है। कुछ गूगल फॉर्म्स कई अलग अलग पेजेस के हो सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जब तक आपको सबमिट का ऑप्शन ना दिख जाए, इसका मतलब ये समझिए कि अभी गूगल फॉर्म खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करें, कैंडिडेट नेम डालें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, गूगल फॉर्म आप तब तक नहीं ओपन कर पाएंगे अपने फ़ोन में, अगर आप चला रहे हैं, चाहे पीसी पे चला रहे हो, अगर जब तक आपने उसमें गूगल क्रोम में अपने या किसी भी ब्राउज़र में आपने अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन अगर नहीं करके रखा है, आपका गूगल फॉर्म नहीं ओपन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले आप जीमेल से अपने फ़ोन में लॉगिन ज़रूर कर लें, अपने क्रोम आईडी जो भी है आपकी उसमें लॉगिन कर लें, उसके बाद ही गूगल फॉर्म का लिंक ओपन करें। सबसे पहले आप यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन मांगा गया है, तो ईमेल भर दीजिए। कैंडिडेट नेम है तो कैंडिडेट नेम फिल कर दीजिए। फादर्स नेम पूछा गया है, फादर्स नेम फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप जैसे चूज़ पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम TGT इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके अलग क्लिक किया तो कह रहा है कि दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अब ये आपको फिल करना ज़रूरी है, जब तक अगर आप ये नहीं फिल करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर जिसे यहाँ पे है, इसके ऊपर देखिए एक रेड कलर का स्टार बना हुआ है, इसी तरह से एड्रेस पे भी स्टार बना हुआ है, और बाकी जब जो जितने भी यहाँ पे फील्ड हैं, यहाँ पे जिनमें डिटेल्स देनी है सब में स्टार बना हुआ है, यानी कि सभी डिटेल्स ये मैंडेटरी हैं। कुछ कुछ जगहों पे अगर आपको स्टार नहीं मिलता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और लास्ट में यहाँ पे सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और साथ ही आपको ये फॉर्म भर के ले जाना है, उस दिन आपको सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। डेट्स टाइम यहाँ पे सब लिखा होगा, मैंने आपको उस दिन बता दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू का समय जो है वो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक है, तो यानी कि आपको इससे पहले ही वहाँ पर पहुँचना होगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 24 तारीख तक का टाइम है, शाम 4 बजे तक ही आप गूगल फॉर्म को भर पाएंगे, उसके बाद ये फॉर्म अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कीजिए, और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।